नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज के इस सेशन में हम जानेंगे झारखंड से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट व्यक्तियों के बारे में जो इन दिनों चर्चा में रहे हैं। तो आइए इस सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं किन कौन कौन व्यक्ति इन दिनों चर्चा में रहे हैं और क्यों रहे हैं। शुरुआत करते हैं कजली सोरेन से। आपको बता दें कि कजली सोरेन को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संथाली लेखक हैं कजली सोरेन और इनका असली नाम है जगन्नाथ सोरेन। 72 वर्ष उनका उम्र है और 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार 11 मार्च 2023 को उन्हें प्रदान किया गया। आपको बता दें कि उनकी कविता संग्रह सावरन बालिरे सानन पंजय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से कजली सोरेन को सम्मानित किया गया है। कजली सोरेन के इस कविता संग्रह में कुल 350 कविताएँ हैं। इससे पहले कविता कजली सोरेन की 10 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आइए अब जानते हैं रश्मि शर्मा के बारे में, जो कि एक लेखिका हैं और कथाकार हैं। कवि कथाकार लेखिका रश्मि शर्मा की पुस्तक झारखंड से लद्दाख का लोकार्पण रांची में किया गया था। यह पुस्तक यात्रा वृतांत है, यानी एक ट्रेवलॉग है। पुस्तक में झारखंड और लद्दाख दोनों ही प्रदेशों के वृतांत हैं, इसलिए यह रश्मि शर्मा भी चर्चा में रही है और यह पुस्तक झारखंड से लद्दाख चर्चा में रहा। आइए अब जानते हैं श्रीमती मुन्नी देवी, श्रीमती पार्वती देवी, श्रीमती पूजा देवी और दूसरी श्रीमती पार्वती देवी। इनको मुख्यमंत्री के द्वारा और राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया था। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जल जीवन मिशन, जल संरक्षण और स्वच्छता के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए 4 महिलाओं को सम्मानित किया है। ये 4 महिलाएं हैं जो झारखंड की हैं। यह है मुन्नी देवी, श्रीमती पार्वती देवी, 2 पार्वती देवी है, श्रीमती पार्वती देवी और श्रीमती पार्वती देवी। इसके अलावा चौथी हैं श्रीमती पूजा देवी। इसके साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इन सभी को 4 मार्च 2023 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया था। इस कार्यक्रम में श्रीमती मुन्नी देवी झारखंड की एकमात्र मुखिया थी जिन्हें स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया था। उन्हें यह सम्मान बहु ग्रामीण जलापूर्ति योजना के सफल संचालन और रखरखाव के लिए मिला। वहीं श्रीमती पार्वती देवी को जल शक्ति अभियान के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है, जबकि श्रीमती पूजा देवी को ODF+ यानी स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। आइए देखते हैं अगले नाम को, और यह अगला नाम है संजय कृष्ण। आइए जानते हैं संजय कृष्ण क्यों चर्चा में रहे। ये वरिष्ठ पत्रकार हैं और लेखक हैं। संजय कृष्ण द्वारा लिखित झारखंड के 50 क्रांतिकारी एवं परमवीर अल्बर्ट एक्का की जीवनी पुस्तक का लोकार्पण 21 मार्च 2023 को किया गया, और ये 2 पुस्तकों के कारण ही वे चर्चा में रहे हैं। आपको बता दें कि झारखंड के 50 क्रांतिकारी पुस्तक में छोटा नागपुर से लेकर संथाल परगना के महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों की जीवनी है, और पहली बार ऐसे गुमनाम नायकों को इस पुस्तक में जगह दी गई है जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं या नहीं के बराबर जानते हैं। वहीं जो दूसरी पुस्तक है संजय कृष्ण की, वह है परमवीर अल्बर्ट एक्का की जीवनी, जो अल्बर्ट एक्का की एक गाथा है। अगला नाम है अर्जुन टुड्डू। आपको बता दें कि 26 मार्च 2023 को कोल इंडिया मैराथन का आयोजन रांची में किया गया था। रांची के मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। फुल मैराथन था और फुल मैराथन का कुल लेंथ होता है 42.195 किलोमीटर। इसमें पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान पर जमशेदपुर के अर्जुन टुड्डू रहे थे, यानी फुल मैराथन में अर्जुन टुड्डू विजेता रहे थे और उन्हें कुल 3 लाख रुपए की प्राइज मनी से सम्मानित किया गया था। अब अगला नाम है मधु कोड़ा। आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और आय से अधिक संपत्ति मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने मधु कोड़ा को नोटिस जारी करने का निर्देश CBI को दिया गया था। मधु कोड़ा पर आय से अधिक संपत्ति और कोल ब्लॉक में अवैध आवंटन मामले में आरोपी पाए गए थे, जिनके कारण उन्हें विधानसभा से निलंबित भी कर दिया गया था और विधानसभा से सदस्यता उनकी समाप्त कर दी गई थी। अगला नाम है दोस्तों डॉक्टर TK चंद। नालको यानी नेशनल एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड
कंपनी लिमिटेड के फॉर्मर CMD एवं CCL के फॉर्मर डायरेक्टर पर्सनल तथा वेदांता बिजनेस डेवलपमेंट के अध्यक्ष डॉक्टर TK चांद द्वारा लिखित पुस्तक एल्युमिनियम द फ्यूचर मेटल का विमोचन किया गया था। डॉक्टर TK चांद खनन और धातु यानी माइनिंग और मेटल के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं और इनके इस पुस्तक के कारण ही डॉक्टर TK चांद चर्चा में रहे। अगला नाम है ईशान किशन का, जो क्रिकेटर हैं, झारखंड से वो क्रिकेट खेलते हैं, रहने वाले पटना के हैं। आपको बता दें कि झारखंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ईशान किशन को BCCI ने वर्ष अक्टूबर यानी साल अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के लिए खिलाड़ियों के वार्षिक अनुबंध यानी एनुअल कॉन्ट्रैक्ट के तहत शामिल किया है। यानी ईशान किशन को शामिल किया गया है सी ग्रेड में BCCI में और इसके तहत प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपये सी ग्रेड के खिलाड़ियों को दिया जाता है। इस आधार पर ईशान किशन को भी 1 करोड़ रुपये BCCI के लिए खेलने के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा ईशान किशन क्यों चर्चा में रहे, ये भी आपको बता दें कि पटना से संबंध रखते हैं, झारखंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं और ईशान किशन एक प्रसिद्ध विकेटकीपर और बल्लेबाज हैं और मुंबई इंडियंस के लिए IPL में वो 15.25 करोड़ में खरीदे गए हैं। यानी मुंबई इंडियंस में उन्हें ऑक्शन के दौरान 15.25 करोड़ रुपए में खरीदा गया। अब जानते हैं स्नेहलता चौधरी क्यों चर्चा में रही। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक कार्यक्रम मन की बात के 99वें संस्करण में सरायकेला की स्नेहलता चौधरी के अंगदान और देहदान की चर्चा की गई थी। आपको बता दें कि सरायकेला की 65 वर्षीय स्नेहलता चौधरी ने अपनी मौत के बाद अपने हार्ट, किडनी, लीवर और आंखें दान कर 4 लोगों की जान बचाई और 2 लोगों की आंख की रोशनी बनकर उन्हें नया जीवन दिया, जिस कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 99वें मन की बात के संस्करण में इनकी चर्चा की गई थी। अगला नाम है दीप्ति कुमारी का। दीप्ति कुमारी जो कि एक प्रसिद्ध आर्चर है यानी तीरंदाज है। बता दें कि खेलो इंडिया के तहत हरियाणा के सोनीपत में 2 से 4 अप्रैल 2023 तक वीमेंस नेशनल रैंकिंग आर्चरी चैंपियनशिप का फाइनल टूर्नामेंट खेला गया। वहां झारखंड के दीप्ति कुमारी ने गोल्ड मेडल जीता था और अब सीनियर रिकर्व डिवीज़न में वह देश की टॉप खिलाड़ी बन गई है। दीप्ति कुमारी को साई यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया है। आइए देखते हैं अगला नाम कौन है। दोस्तों अब जानते हैं भोलानाथ सिंह क्यों चर्चा में रहे। आपको बता दें कि एशियन हॉकी फेडरेशन यानी AHF के उपाध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं झारखंड हॉकी के यानी हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह। इसके अलावा हॉकी इंडिया के भी वे महासचिव हैं। यानी हॉकी झारखंड के अध्यक्ष और हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह को एशियन हॉकी फेडरेशन के उपाध्यक्ष के तौर पर निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। दक्षिण कोरिया गणराज्य के मुंगयोग शहर में 24 मार्च 2023 को एशियन हॉकी फेडरेशन का चुनाव कराया गया था, जिसमें भोलानाथ सिंह को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया है एशियन हॉकी फेडरेशन का। इसके अलावा एमर्जिंग स्पोर्ट्स लीडर अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया गया। एशिया महाद्वीप का उभरता हुआ खेल प्रशासक यानी इमर्जिंग स्पोर्ट्स लीडर अवार्ड से भी भोलानाथ सिंह को एशियन हॉकी फेडरेशन द्वारा सम्मानित किया गया। इसके अलावा अगला नाम है बिगन सोए का। बिगन सोए को भी एशियन हॉकी फेडरेशन में एडवाइजरी कमेटी में सदस्य बनाया गया है। आपको बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम के बंदगांव की बिगन सोए जो कि महिला हॉकी प्लेयर है, 2013 जूनियर वीमेंस वर्ल्ड कप में भारतीय महिला हॉकी टीम में गोलकीपर के रूप में खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया था और भारत को ब्रॉन्ज मेडल जिताई थी। यानी तीसरे स्थान पर खेले गए निर्णायक मैच में पेनाल्टी शूटआउट में गेंद को रोककर भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाई थी बिगन सोए और काफ़ी प्रसिद्ध हॉकी प्लेयर है। अगला नाम है सलीमा टेटे का। आपको बता दें कि इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की 20 वर्षीय सदस्य सलीमा टेटे को एशियन हॉकी फेडरेशन ने 25 मार्च 2023 से
25 मार्च 2025 तक यानी 2 वर्षों के लिए एशिया महादेश का एथलेटिक्स अम्बेसडर नियुक्त किया है। सलीमा टीटे झारखंड की सिमडेगा जिला की रहने वाली है और बरकी छापर गांव में रहती है सिमडेगा में। सलीमा टीटे को एशिया महाद्वीप का उदयमान खिलाड़ी के तौर पर भी सम्मानित किया गया, यानी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर एशिया कॉन्टिनेंट अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया गया। दक्षिण कोरिया के मुंगयोंग शहर में EHF की वार्षिक आम सभा बैठक हुई थी। इसमें 20 वर्षीय खिलाड़ी को पुरस्कृत किया गया था। पुरस्कार के तौर पर सलीमा टीटे को $1,000 पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि सलीमा टीटे टोक्यो ओलंपिक, वर्ल्ड कप, कॉमनवेल्थ गेम्स सहित कई अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी है और वर्तमान में भी वह भारत के लिए खेल रही है। अगला नाम है प्रमोद कुमार अग्रवाल का। आपको बता दें कि कोल इंडिया के वर्तमान 28वें चेयरमैन प्रमोद कुमार अग्रवाल, जो कि एक वरिष्ठ IAS अधिकारी रहे हैं, 30 जून 2023 को वो रिटायर हो रहे हैं। अगला नाम है डॉक्टर प्रवीण उरांव का। झारखंड आंदोलनकारी एवं सरना प्रार्थना सभा के राष्ट्रीय धर्मगुरु, राष्ट्रीय सरना धर्मगुरु 58 वर्षीय डॉक्टर प्रवीण उरांव का 21 मार्च 2023 को निधन हो गया था। डॉक्टर प्रवीण उरांव झारखंड आंदोलनकारी सह आजसू यानी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के फाउंडर मेंबर भी रहे हैं। डॉक्टर प्रवीण उरांव संजय गांधी मेमोरियल कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी के लेक्चरर थे। अगला नाम है डॉक्टर रश्मि कुमारी का। झारखंड के रांची की केंद्रीय विद्यालय संगठन की संगीत शिक्षिका डॉक्टर रश्मि कुमारी की लिखित पुस्तक स्वर तरंगिणी का लोकार्पण इन दिनों किया गया, जिसके कारण वह चर्चा में है। अगला नाम है देवाशीष नायक का। झारखंड के आंदोलनकारी रहे हैं देवाशीष नायक। 66 वर्ष की उम्र में 1 अप्रैल 2023 को इलाज के दौरान जमशेदपुर में उनका निधन हो गया था और देवाशीष नायक भी आजसू के संस्थापक सदस्य रहे। उनका नाम झारखंड आंदोलन में अग्रणी नेताओं के रूप में लिया जाता है। देवाशीष नायक वर्षों शिबू सोरेन के साथ मिलकर झारखंड आंदोलन में सहभागी रहे हैं। वे आंदोलन के दौरान 6-7 बार जेल भी जा चुके हैं और झारखंड आंदोलनकारी के तौर पर उन्हें झारखंड सरकार द्वारा पेंशन भी दिया जाता रहा है। अगला नाम है विद्युतवरण महतो का। विद्युतवरण महतो को संसद रत्न पुरस्कार से 2023 में सम्मानित किया गया। BJP के सांसद है जमशेदपुर से और लगातार दूसरी बार संसद रत्न पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया, यानी 2022 में संसद रत्न पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया और 2023 में भी संसद रत्न पुरस्कार से विद्युतवरण महतो को सम्मानित किया गया है और सांसद विद्युतवरण महतो को ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर दूसरी बार पुरस्कृत किया गया है संसद के द्वारा। अगला नाम है जयंत सिन्हा, और जयंत सिन्हा जो कि भाजपा से ही है और हजारीबाग से सांसद है। लोक वित्त समिति के अध्यक्ष जयंत सिन्हा को भी 17वीं लोकसभा की शुरुआत से ही उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया है। अगला नाम है दोस्तों हेमंत सोरेन का। आइए जानते हैं हेमंत सोरेन इन दिनों क्यों चर्चा में रहे हैं। झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भारत के 100 ताकतवर लोगों में यानी पावरफुल पीपल में के लिस्ट में शामिल किए गए हैं। आपको बता दें कि यह लिस्ट जारी किया गया था द इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा और इस लिस्ट में भारत के 64वें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में उन्हें शामिल किया गया। भारत के 100 सबसे ताकतवर लोगों की सूची द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा जारी की गई थी। इस सूची में वह झारखंड के इकलौते व्यक्ति हैं और पहले स्थान पर इस सूची में नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और इंडियन एक्सप्रेस ने इस सूची को जारी किया था 31 मार्च 2023 को। इसके अलावा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से देश के 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से जुड़ी एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें भी हेमंत सोरेन का नाम है। इसमें बताया गया है कि ADR के द्वारा बताया गया है कि CM हेमंत सोरेन की कुल संपत्ति लगभग 8.5 करोड़ रुपए है। ADR की जो यह रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें भारत का सबसे अमीर मुख्यमंत्री के तौर पर शामिल किया गया है जगन मोहन रेड्डी को, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है। उनकी कुल संपत्ति बताई गई है 510 करोड़ रुपए। वहीं सबसे कम संपत्ति वाली मुख्यमंत्री है
पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, जिनके पास मात्र 15 लाख रुपए की संपत्ति है। इसके अलावा आप जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी इन दिनों क्यों और किस लिए चर्चा कर रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर विभाग को एडवांस टैक्स के तौर पर 38 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया और यह भुगतान सबसे बड़े आयकरदाता के तौर पर उन्होंने किया है और व्यक्तिगत आयकरदाता है वो सबसे बड़े झारखंड के। अब पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2022-23 में भी उन्होंने 38 करोड़ रुपए का ही भुगतान किया था और वह 2022-23 में भी व्यक्तिगत तौर पर झारखंड के सबसे बड़े आयकरदाता थे। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी चर्चा में रहे क्योंकि MCC यानी मेलबोर्न क्रिकेट क्लब, जो कि लंदन का एक प्रतिष्ठित क्लब है, में उन्हें आजीवन सदस्यता दी गई है। महेंद्र सिंह धोनी के अलावा MCC ने युवराज सिंह और सुरेश रैना को, इन तीन पुरुष खिलाड़ियों को MCC में सदस्यता दी गई है। इसके अलावा भारतीय महिला क्रिकेटर में मिताली राज और झूलन गोस्वामी को भी MCC में सदस्यता दी गई है। आपको बता दें कि इन सभी पांचों भारतीय खिलाड़ियों को आजीवन सदस्यता यानी ऑनररी लाइफ मेंबरशिप ऑफ MCC प्रदान की गई है और विभिन्न देशों के 19 क्रिकेटरों को MCC में सदस्यता दी गई है, जिसमें झारखंड के महेंद्र सिंह धोनी और भारत के 5 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी IPL के 16वें संस्करण में फिर से खेल रहे हैं और CSK ने उन्हें 12 करोड़ रुपए में खरीदा है, इसलिए वह चर्चा में है। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में एक और बात बता दें कि 2011 वर्ल्ड कप में जब उन्होंने विक्ट्री छक्का मारा था वानखेड़े में, उस स्थान पर जहां बॉल गिरा था वहां एक विजय स्मारक बनाया जा रहा है और जिस स्थान पर गिरा वहां विजय स्मारक बनाने का निर्णय लिया गया है और इसका उद्घाटन महेंद्र सिंह धोनी ने खुद ही किया है। बता दें कि वर्ष 2011 में भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने छक्का जड़कर 2011 में भारत को वर्ल्ड कप दिलाया था। क्रिकेट स्टेडियम के स्टैंड्स में किसी खिलाड़ी को इस तरह सम्मान देने का भारत में अपनी तरह का यह पहला मामला है, इसलिए इन दिनों महेंद्र सिंह धोनी चर्चा में रहे हैं। आप जानते हैं प्रोफेसर ई बालागुरु स्वामी क्यों चर्चा में थे। आपको बता दें कि प्रोफेसर ई बालागुरु स्वामी झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन के एकेडमिक एडवाइज़र यानी शैक्षणिक सलाहकार बनाए गए हैं। प्रोफेसर बालागुरु स्वामी झारखंड में विश्वविद्यालय के कामकाज में सुधार के तरीके व संसाधन के बारे में राज्यपाल को सलाह देंगे और साथ ही एक विशेषज्ञ के तौर पर राज्य में उच्च शिक्षा के सुधार व विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है पाठ्यक्रम के संबंध में राज्यपाल को सुझाव देंगे। अगला नाम है जगन्नाथ महतो का, जो झारखंड के मंत्री थे, शिक्षा मंत्री, उनका निधन हो गया। 6 अप्रैल 2023 को चेन्नई में निधन हो गया जगन्नाथ महतो का। वह डुमरी विधानसभा के से निर्वाचित थे और लगातार 4 बार डुमरी विधानसभा से वह निर्वाचित हुए हैं। डुमरी विधानसभा गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाला एक विधानसभा क्षेत्र है और डुमरी विधानसभा क्षेत्र में वह टाइगर के नाम से लोकप्रिय थे। आपको बता दें कि जगन्नाथ महतो के पास स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अलावा उत्पाद और मद्य निषेध विभाग की जिम्मेदारी भी उनके पास थी। अगला है डॉक्टर जानुम सिंह सोए का नाम और इन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि डॉक्टर जानुम सिंह सोए को हो भाषा के संरक्षण व संवर्धन के लिए 5 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2023 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। आपको बता दें कि हर वर्ष 25 जनवरी 2023 को यानी गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर पद्मश्री पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की जाती है और 2023 में झारखंड से इनमें शामिल किया गया डॉक्टर जानुम सिंह सोए को, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि कुल 2023 में 106 पद्म अवार्ड्स के लिए अनाउंस किया गया था, जिसमें पद्म विभूषण 6 लोगों को, पद्म भूषण 9 लोगों को, जबकि पद्मश्री 91 लोगों को देने की घोषणा की गई थी, जिसमें जानुम सिंह सोए को भी शामिल किया गया था, जो झारखंड से हैं और उन्हें हो भाषा के संरक्षण व संवर्धन के लिए पद्मश्री दिया गया। अगला नाम है ब्रजेंद्र कुमार पटनायक का। झारखंड के मशहूर छऊ डांसर ब्रजेंद्र कुमार पटनायक को छऊ नृत्य में विशेष योगदान के लिए 2019 का संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया।
आपको बता दें कि नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में 23 फरवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2019 से उन्हें सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि 2019 में इसका अनाउंसमेंट कर दिया गया था, लेकिन कोरोना के कारण यह सम्मान उन्हें नहीं दिया जा सका था, इसलिए इसका आयोजन किया गया और 23 फरवरी 2023 को राष्ट्रपति द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। छऊ डांस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन कर चुके हैं और 1984 में पहली बार उन्होंने डेनमार्क में छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया था। इसके अलावा करीब 13 से अधिक देशों में ब्रजेंद्र पटनायक ने छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया है। अब जानते हैं दुर्गावती देवी के बारे में। आपको बता दें कि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान टोरी स्टेट की महारानी रही दुर्गावती देवी, जिनका उम्र 93 वर्ष था, का 5 अप्रैल 2023 को रांची के मोरहाबादी स्थित आवास पर निधन हो गया। उनके पति थे राजा सहपति थे स्वर्गीय जगदात्री नाथ शाहदेव। डॉक्टर स्वर्गीय जगदात्री नाथ शाहदेव झारखंड में विधायक भी रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व विधायक सह राजा स्वर्गीय जगदात्री नाथ शाहदेव के निधन के बाद उन्होंने दशकों तक पूरे परिवार को एक डोर में बांधे रखा, यानी दुर्गावती देवी पूरे परिवार को एक साथ बांधे रखी और टोरी परगना और टोरी रेलवे स्टेशन का नाम इसी राजघराने के नाम पर ही पड़ा है। अगला नाम है सुनीता एक्का का। जमशेदपुर की पूर्व राष्ट्रीय बॉक्सर है सुनीता एक्का, और बॉक्सिंग की राष्ट्रीय जज और रेफरी के तौर पर उन्हें चुना गया है। आपको बता दें कि 2001 से 2013 तक बॉक्सिंग रिंग में वह सक्रिय रही थी और सीनियर नेशनल में ब्रांज मेडल भी वह जीता चुकी है भारत को। आइए अब जानते हैं जसिंता केरकेट्टा क्यों चर्चा में रही। आपको बता दें कि कवित्री जसिंता केरकेट्टा को अमेरिका के मिशिगन यूनिवर्सिटी के द्वारा सोशल मीडिया और इंडियन सोसाइटी विषय पर 2 दिवसीय कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। यह कार्यक्रम 6 और 7 अप्रैल 2023 को अमेरिका में आयोजित किया गया था। जसिंता केरकेट्टा ने कार्यक्रम में सोशल मीडिया से जुड़े अपने अनुभव और कविताओं को साझा किया। इसके अलावा द ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में भी जसिंता केरकेट्टा को आमंत्रित किया गया था, जहां जसिंता केरकेट्टा ने कविता पाठ किया और भारत में आदिवासियों की स्थिति पर अपने अनुभव को साझा किया है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि मीनू मीना सिन्हा क्यों चर्चा में रही। झारखंड के रांची की कवित्री मीनू मीना सिन्हा को 9 अप्रैल 2023 को जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा भागलपुर बिहार में आयोजित समारोह में विशिष्ट महिला साहित्यकार व शिक्षण में योगदान के लिए अंगभूमि महिला गौरव सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। दशकों से लेखन के क्षेत्र में जुड़ी रांची के मोरहाबादी निवासी मीनू मीना को यह सम्मान प्रतिकूल परिस्थितियों में परिवार की देखभाल के साथ समाज की महिलाओं की प्रेरणा स्रोत बनने के लिए प्रदान किया गया है। अब देखते हैं ममता कुमारी के बारे में। ममता कुमारी गोड्डा की रहने वाली है और ममता कुमारी को राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW नेशनल कमीशन फॉर वीमेन का सदस्य बनाया गया है। आपको बता दें कि वह एक शिक्षिका है और ममता कुमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक प्रशांत मंडल की पत्नी हैं। प्रशांत मंडल जिनका कुछ दिनों पहले निधन हो गया। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।